नमस्कार। अभी ये देखो क्या है हमारे पास, ये एक नहीं है, दो है। ये देखो, एक रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। ये सिंगाड़ा है, इसको खाया जाता है, तालों में होता है, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे उबाल कर खाया जाता है और इसकी सब्जी भी बहुत से लोग बनाते हैं, सब्जी भी बहुत टेस्टफुल बनता है और इसको कच्चा खाने में और ही ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, गर्मी गई, ठंडी आई और ठंडी में सिंगाड़े का मौसम होता है, मस्त सिंगाड़ा खाया जाता है उबाल कर। और दीपावली का इंतज़ार था, दीपावली भी ख़त्म हो गया, अब इधर मेला आ रहा है, नहान मेला जो होता है, टाइम आ रहा है, 30 तारीख को नहान मेला है। और नहान मेला जो सीता द्वार में लगता है, वो बहुत बड़ा मेला होता है, 5 दिन का मेला होता है पूरे। तो अब चलेंगे, मेला दिखाएंगे आपको। खैर, देखते हैं अगर हर साल की तरह लगता है या कम लगता है, मतलब जिस तरह से भी लगता है आपको ज़रूर दिखाएंगे। 30 तारीख से स्टार्टिंग है मेला का, और मेले में सिंगाड़े खूब मिलते हैं, जलेबी मिलते हैं, लाई मिलते हैं, बरसोला गट्टा, सारे चीज़ मिलते हैं सीता द्वार मेले में। तो मेला बहुत ही अच्छा होता है। खैर, आने दो, चलेंगे दिखाएंगे। और सबसे पहले इन सिंगाड़ों को खा लें। इसको ना, इसके छिलके को दांतों से निकालना पड़ता है, काफी मजबूत होता है। वाह, वाह भाई वाह, सिंगाड़े में तो मज़ा आ गया, बिल्कुल एकदम मस्त। और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि शुरुआत में जितने भी कमेंट हमारे, मतलब वीडियो पर आए थे, चैनल पर आए थे, जितने भी कमेंट, सारे कमेंट में जो हमने वीडियो को बनाने को कहा था, उस वीडियो में ये कमेंट आए थे कि इस वीडियो को भाई बनाओ। तो जितने भी वीडियो हमें बनाना था, सारे वीडियो हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, मतलब जितने भी मार्केट और जहाँ का, मतलब भाई लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि वीडियो भाई बना दो, में से सारे कमेंट के वीडियो पूरे हो चुके हैं और एक वीडियो या दो वीडियो बचा है, तो डायरी में हमने नोट करके रखा था, वो पूरा हो जाए उसके बाद में हम आपको डायरी दिखाते हैं, कमेंट भी दिखाते हैं। और फिलहाल बाद में जितने कमेंट आए थे, 2-4 और, तो उनको भी धीरे धीरे पूरा कर देंगे। बाकी पहले वाला था वो पूरा हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और सीन देखो, अभी इधर सरसों था ये, और उधर थोड़ा सा कुछ साग वगैरह थे, तो जिसमें थे मतलब जमने लगे हैं, भी हरियाली थोड़ी थोड़ी आने लगी है। और एक नींबू का पेड़ जो हमने लाए थे बलरामपुर से, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाओ, आपको मिलेगा, देख लो। वो नींबू का पेड़ यहाँ पर लगा दिए थे, ये देखो। ये जगह काफ़ी अच्छा था, यहाँ से मतलब खुली हवा, खुली धूप उधर से भी इधर से भी चारों तरफ से आती थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर वो नींबू का पेड़ लगा दिया था, ये देखो। और इसमें जितने नींबू लगे थे हमने तोड़कर खा लिए। नमस्कार, अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और सीन पहचानो, ये सीन कहाँ का है, नहीं पहचान में आ रहा है। खैर, अभी हम अपने घर से करीब 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और इधर एक गांव पड़ता है बिलारी, जहाँ पर मैं एक्चुअली बहुत ही इमरजेंसी था जो आज आना पड़ा, और कल सुबह मतलब रात में यहाँ रुकना है और कल सुबह यहाँ से फिर निकल लेना है घर के लिए, क्योंकि घर पर भी बहुत ज़रूरी है। घर पर क्या ज़रूरी है हम वीडियो में ही बताएंगे आपको। और बिलारी क्या है कि उतरौला से करीब 20 से 25 किलोमीटर की से और आगे दूरी पर सहदुल्ला नगर वाले रोड पर पड़ता है। मैंने एक बार उतरौला से सहदुल्ला नगर का विजिट किया था, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, काफ़ी लंबा ब्लॉग भी बन गया था वो। तो सहदुल्ला नगर में एक बार हम गए थे, उसी रोड पर ये भी पड़ता है, और इसी रोड पर मतलब एक मार्केट और पड़ता है, धुसवा मार्केट। तो आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों को हम धुसवा मार्केट दिखा दें, अब आए हैं इतनी दूर तो मार्केट दिखाते चलें, क्योंकि कल सुबह घर के लिए निकलना है तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो चलो दिखा देते हैं। और यहाँ से सुबह निकलना है, सुबह यहाँ से निकल के उतरौला, और उतरौला से फिर घर रिटर्न। तो आज बहुत लंबा चलना पड़ा मुझे, कल भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कल का सफ़र भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, 85 से 90 किलोमीटर की सबका सफ़र आज किया और इतना ही कल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो चलते हैं, अभी धुसवा मार्केट दिखाते हैं। और अभी देखो ये बड़ा सा ब्रिज, एक कुसमौरा घाट है,
और अभी हम आपको सीन दिखाते हैं। इधर का सीन बहुत मस्त दिखता है देखने में। ये देखो सीन, क्या लाजवाब सीन है, बहुत मस्त दिखता है इधर का एरिया। और ये कुसमौरा घाट के नाम से इस ब्रिज को जाना जाता है। एक नदी है ये, ये देखो। और यहाँ पर देखो मछली मार रहे हैं, ये देखो भाई मछली को मार रहे हैं, अपना कटिया वगैरह जो भी होता है ना लगा कर। ये देखो भाई, आज का सफ़र बहुत लंबा पड़ गया। खैर अभी आ चुके हैं दुसवा मार्केट, अभी हम आपको दिखाते हैं। और दुसवा मार्केट से सहदुल्ला नगर की दूरी 10 किलोमीटर पड़ती है, और फिर दुसवा मार्केट से अगर उतरौला जाओगे तो उतरौला की दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है। तो अब चलते हैं, आपको हम पूरा मार्केट दिखाते हैं। अभी देखो ये दुसवा मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये देखो इधर साइड में पहला दुकान जो है एक टेंट का है इधर साइड में, बाकी इधर मोटरसाइकिल की कुछ रिपेयरिंग की दुकान है। चलते हैं मार्केट भी दिखाते हैं। और यहाँ से घना मार्केट की शुरुआत होती है, यहाँ से काफ़ी घना मार्केट है। इधर मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की दुकान, साइकिल की दुकान, ये सब मिल जाएंगे। बाकी इधर मार्केट काफ़ी लंबा है, अभी हम दिखाते हैं पूरा। और फिर इधर मार्केट देखो, इधर एक माता जी का मंदिर है जो कि अभी आपको हम दिखाते हैं। इधर लक्ष्मी पूजन महोत्सव लिखा हुआ है शुभ दीपावली के अवसर पर। और इधर एक रोड गया हुआ है, ये देखो। बाकी सीन चलते हैं, आपको मंदिर का दिखाते हैं। आप सीन देखो मंदिर के इधर का, ये देखो इधर कुछ बालू वगैरह सारे मतलब बिक रहे हैं, बाकी इधर मंदिर पड़ जाता है। ये देखो लक्ष्मी जी का मंदिर है, श्री लक्ष्मी, ये देखो श्री महालक्ष्मी मंदिर। और कितना सुंदर दिख रहा है, काफ़ी ऊँचा मंदिर है, ऊपर त्रिशूल भी लगा हुआ है मंदिर के ऊपर, एकदम लाइट भी लगा हुआ है, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये मंदिर। ये देखो थोड़ा सा भी इधर से दिखाते हैं, साफ दिख नहीं रहा है ना। तो ये देखो माता जी का मंदिर, ये देखो। बाकी अब चलते हैं मार्केट को दिखाते हैं। और फिर अब देखो मार्केट, अभी मार्केट में आ चुके हैं मंदिर से वापस। तो ये है दूसरा मार्केट, देखो कितना शानदार मार्केट दिख रहा है। मैं इधर देखो बड़े बड़े डेहरा और बड़े बड़े बक्सा इधर मिल रहा है इस मार्केट में, और इधर भी सेम वैसा ही है, इधर भी मिल रहा है। तो ये देखो मार्केट, और अब देखो इधर का मार्केट, ये देखो क्या शानदार मार्केट दिखा। और यहाँ से एक रोड इधर को भी जाता है, ये देखो। बाकी चारों तरफ देखो दुकान ही दुकान दिख रहा है। यहाँ पर तो कुछ प्राइवेट गाड़ी रुकती हैं, ये देखो, जैसे कहीं अगर आपको जाना हो तो यहाँ से गाड़ी मिलती है, प्राइवेट गाड़ी जैसे टेम्पो वगैरह जो होते हैं यहाँ से मिलता है। अब यहाँ से उतरौला के लिए भी जाता है साधन। तो ये देखो यहाँ का सीन, और यहाँ से देखो यहाँ से मार्केट ख़त्म हो जाता है। ये देखो यहाँ से मार्केट ख़त्म होता है, यहाँ से उतरौला को रास्ता गया हुआ है। बाकी इधर साइड में बगल देखो केले की खेती, देखो कितना लंबा खेत इधर पड़ा हुआ है, इसमें केला लगा हुआ, अभी छोटे छोटे केला लगा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सीन देखने में लगता है, पर धूप देखो इधर से आ रहा ना तो अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी सीन बहुत मस्त है। तो ये देख लो, खैर किस्मत देखो भाई, कल कहाँ थे, कल घर पर वीडियो बना रहे थे, थोड़ा सा बनाया था, उसके बाद में अचानक काम आने के कारण से यहाँ आना पड़ा, जिसके कारण से आज यहाँ का भी वीडियो बन गया। आज वीडियो बनाने का हमारा कोई मूड नहीं था इधर साइड में, मगर जब हम यहाँ पर आए तो ये दूसरा मार्केट जब मैंने देखा तो याद आ गया कि किसी भाई ने एक बार हमारे चैनल पर मतलब कमेंट किया था कि दूसरा मार्केट का वीडियो बनाओ भाई, तो इसी कारण से मुझे याद आ गया दिमाग में, मतलब सोचा, फिर मैंने कहा कि चलो भाई दूसरा मार्केट आपको दिखाते हैं। देखो दूसरा मार्केट, और यहाँ से बिलारी करीब 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है जहाँ हमें रुकना है, 5-6 किलोमीटर, और वापस यहाँ से आए हैं वीडियो बनाने के लिए, और फिर वापस वहीं पर जाना है। तो रात में बिलारी में रुकना है, उसके बाद में सुबह बहुत ज़रूरी काम है घर के लिए, फिर निकलना है हमें। तो बिलारी से फिर उतरौला जाएंगे सुबह, और उतरौला से फिर घर। तो बाकी सीन देख लो, ये है दूसरा मार्केट, और ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है। सहदुल्ला नगर भी गए थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता था, मतलब हुसैनाबाद भी इधर साइड में पड़ता है, वहाँ पर भी एक बार हमने विजिट किया था, वो भी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता था, यानी कि बलरामपुर बहुत बड़ा है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा भेजा हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।